बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मेरे को बुलबुल बोलता है। अरे तू बुलबुल तो खुद है, दूल्हा अभी भी तैयार खड़ा है, कहीं भगा नहीं है। ये अभी अभी आपका नाम ऊंचा हुआ है आपको लगता? अरे बाबा ऊंचा, हाँ ऊंचा तो है ही है ना। हम गलत होने से बचा लिया, कौम को डूबने से बचा लिया। जितने कौम के ठेकेदार सब दलाल, लेकिन हमारे मजलिस में एक कौम के गद्दार, कौम के दलाल, ये ठेकेदार जो बैठे हैं, इससे इसको मजलिस को बहुत नुकसान हुआ, आगे भी ये नुकसान करते रहेंगे। मुमरा के दो चार छः दलाल लोग हैं, उनसे होशियार रहो। ये कहाँ ले जाके बेचेंगे मुमरा को, कब किसी को पता नहीं चलेगा। ये MIM का काम नहीं कर रही है, दलाल है जो जितने भड़का रहे हैं, मचका रहे हैं, ये सब दलाल लोग हैं। ये उधर न्यू बम्बई कवर किए, थाना कवर किए, गुंजन को कवर किए, लूट लो अभी खजाना लूट रहा है, भर लो अपना खजाना। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तो पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा वासियों के जबान पर था गुंजन शेख, गुंजन शेख, गुंजन शेख, क्योंकि दो दिन से जो अफवाहें जो चल रही थी, कहीं ना कहीं वो सही तो हुआ, साबित हुआ, क्योंकि गुंजन शेख ने फॉर्म वापस ले लिया है। इस तरह की जो अफवाहें चली वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, उन्होंने आप फॉर्म तो रिटर्न ले लिया। जो लोग आरोप लगा रहे थे गुंजन शेख पर कि उन्होंने पैसे लेकर और फॉर्म अपना रिटर्न किया, बहरहाल सबकी नज़रें बनी हुई थी गुंजन शेख पर। आखिर गुंजन शेख गए कहाँ, गुंजन शेख है कहाँ? और एक बात और मैं आपको बता दूं कि गुंजन शेख ने कितना पैसा लिया है, क्या लिया है। बहुत सारे आरोप लगे हैं गुंजन शेख पर, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुंजन शेख मौजूद हैं, प्रहार से इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर गुंजन शेख ने जो है अपने नामांकन जो किया हुआ था MIM से, वो क्यों रिटर्न लिया है। गुंजन शेख साहब, सबसे पहला तो आप ये बताइए कि आपने जो है MIM से फॉर्म भरा था, नामांकन किया था, और ऐसे में आपने, आपको क्या वजह रही फॉर्म वापस लेने की? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं और आपका शुक्रिया अदा करा दूं कि कम से कम आए हमारे पास और पूछे। मैं आपको साफ क्लियर कर दूं कि हमारा फार्म वापस लेने का कोई मतलब नहीं था। हम बी फार्म लाए थे, टिकट लाए थे लड़ने के लिए, लाके लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, मीटिंग चालू किया। मीटिंग में सब ये सब कन्फर्म हो गया कि हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन इन लोग का मनसा बदल गया। रात में ये हो गया कि पैसे इनसे ऐठना शुरू करो, पैकेज मांगना शुरू करो, ताकि ये लड़ भी नहीं पाए और ये हार जावे। मेन कारण इसमें जो अपना अध्यक्ष है, जो अपने आप को बहुत, कौन है वो जो मतलब पैसे ऐठने की बात कर रहा है, और MIM का ऐसे कौन सा वो जो है कार्यकर्ता था जो आपसे पैसे की मांग कर रहा था, आपसे ऐठने की बात कर रहा था, क्या इसके बारे में जो रऊफ लाला अपने आप को सेकुलर बनना है, 4 साल से पार्टी का अध्यक्ष है, मुमरा को सुला दिया, वसीम सैयद भाग गया, सिकंदर भाग गया, लोग भाग गए। वो चाहता था कि गुंजन सेठ अगर इधर सेकुलर हो गए, अगर इधर मजबूत हो गए, तो फिर किसका चलेगा नहीं। इसके लिए वो पीछे पीछे मुंह पे कुछ और बोलता था, पीछे और सियासत करता था। मतलब सबको भगाने का जो मतलब कारण है वो रऊफ लाला है। रऊफ लाला है अपने आप को, ये बहुत बड़ा सेकुलर बनता है, पार्टी का बहुत बड़ा हमदर्द बनता है। असद साहब का आज भी ये बुराई करता है पीछे, कल भी बुराई करता था, 2 दिन पहले बोलता था असद के मुंह पे और से अरफात के मुंह पे और फलाने फलाने के मुंह पे मैं कालिक पोतूंगा। आज ये सेकुलर बन रहा है। जब मीटिंग हो गई और ये लोगों को अलग अलग ऑर्गनाने लगा, इसके साथ में एक दो लोग चम्मच रहते हैं, वो बोले हमको पैकेज कितना दोगे, हम तुम्हारा काम करेंगे, पैकेज कितना दोगे मेरे। कौन है वो लोग, वही सब पैकेज मांगने वाले कौन है, जो बाबा किसके साथ है, मतलब रऊफ लाला के जो ग्रुप है, अज्जू फज्जू खज्जू जो है, इसे सब दो चार है, वो मेरे बोलता था पैकेज कितना दोगे तुम, हाँ क्या पैकेज दोगे। मैं बोला चला तुम कौम के परस्त हो कि पार्टी के हो कि पैसे के हो, बताओ ये क्लियर करो, मैं पैसा देता हूँ। मतलब ये पैसा लोगों ने मांगे तो आपने फॉर्म रिटर्न नहीं? नहीं नहीं, पैसा मांगे नहीं, ऐसा प्लान था कि इनसे पैसा ले लो और इनकी कोई भी पार्टी का, इनके कोई भी लोगों काम नहीं करेंगे। इनका जो ऐसा मनसा था कि हमारा कोई काम नहीं करेगा, पैसा इनसे लो। ये आपको आके बोले थे? अरे बाबा ये लोग
क्या लाइन लगी थी, मेरे पास 100 लड़के कितना पैकेज दोगे, मेरे पास 50 लड़के कितना पैकेज दोगे, ये लोगों लोग अलग अलग रगड़ा के भेजता था ये ऑफिस पे घर पे। तो मैं बोला भैया देख, लड़ने आया हूँ, ये पैसा बांटने नहीं आया हूँ, हम नहीं लड़ूंगा और चलेगा। वो गुस्से में आके हम जाके अपना वापस कर लिया, ना हमको कोई पैसा दिया है, ना हमको कोई खरीदा है। वो बता देवे, साबित कर दे उसका डबल नहीं दूंगा तो जूता लेके मारना उधर ही। गुंजन भाई आप ये बताओ कितना पैसा आपने लिया और आप पैसा लेने के बाद आपने फॉर्म रिटर्न किया? अरे मैं भीख नहीं मांगता, मेरे पास खुद क्षमता है, हम काहे को किसके आगे भीख मांगेंगे। वो लोगों का काम है भीख मांगना, हमारे अध्यक्ष का काम है, MIA वालों का काम है मांगना, हमारा काम नहीं मांगना और ना मैं लेता पैसा किससे, पूछ लो जाके जितेंद्र। क्यों आप जो है वहाँ से भागे, मतलब जब आपके पास सब कुछ है, क्षमता भी है, आपके पास पैसे भी है, फिर आपने जो है मुमरा कौसा को छोड़कर आप वहाँ से फरार क्यों हो गए? क्यों फरार, अपने घर पे हूँ, मैं दोस्ती में हूँ, अपने घर पे हूँ, कहाँ मैं इधर उधर भागा हूँ। दो दिन से तो चल रहा है कि आप जो है मुमरा कौसा में है ही नहीं, आपके घर में ताला लगा। बाबा दुश्मन बोलते, मेरी फैमिली सब घर पे है, मैं घर पे हूँ अभी। बंगला जो है आपका सिवली नगर में वहाँ ताला लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है। अरे अभी मैं पुलिस लगी है इसके लिए कि वो सुरक्षा के लिए लगी है कि लोग कुछ अफवाह फैला रहे थे, वो अफवाह की वजह से पुलिस ने आई उधर। आप आवाज सबसे मीटिंग नहीं करी? अरे कोई साबित कर दे मेरे को। आपने आवाज सबसे मीटिंग नहीं की? नहीं, कोई साबित कर दे मेरे से कि कहाँ मिला, कहाँ बात किया, कहाँ क्या किया। अगर कोई साबित करता है तो उसका गुनेगा। शहर में जो बात चल रही है कि आप 3 करोड़ रुपए में जो है अपना फॉर्म रिटर्न ले लिए, कोई 3 करोड़ कह रहा है, कोई 15 करोड़ कह रहा है, क्या मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? 2 करोड़ और 3 करोड़ में मैं अपना वो नहीं बेचता हूँ, मैं अपना दिमाग और संतुलन अपना सोच के, हम अपने घर में बच्चे लोग को नहीं बोला, वो सब परेशान है कि अब्बा को क्या हो गया अचानक। पैसा लेता लाता देता तो बच्चे लोग को दिमाग था, बच्चे लोग भी घर में सब परेशान है कि अब्बा को क्या हुआ और किसको बात नहीं किया मैं आज तक। मैं किया मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरा मर्डर करवाने के साथ जिसे लोग चल रहे थे, अभी इससे आगे और क्या बोलूँ मैं। कौन कर रहा था ये सब? अरे यही मिमरा के जो MIM के 2-4 जो पुठारी लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, वो हमको दलाल बोलते ना, खुद गांडू दलालगिरी करते, हर इलेक्शन में इनके उनके नेताओं के इधर जाके दलाली करते। हम तो नहीं गए ना किधर दलाली करने। वो क्या किस तरह से दलाली कर रहे थे, इस बात को भी आप साफ करिए, किस तरह से दलाली कर रहे थे? दलाली करते थे कि पैसा हमको दो, इलेक्शन हम लड़ाएंगे। तो इलेक्शन पैसा, कौन सा पैसा, हम यही पैसे के कंप्लेंट करें कि गांडू लोग पैसे से मेरे से वो कर रहे, तभी इनकी क्या हालत होगी। ये पैसा मांग रहे थे, पैकेज मांग रहे थे, 5-5 लाख का पैकेज दो हर आदमी को, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, झाड़ में तो लगा नहीं कि वो मतलब आपको 5-5 लाख रुपए मांग रहे थे वो लोग, और आप इसलिए मतलब मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान भागा नहीं, जब हमको प्रेशर करने लगे तो मैं बोला तो इलेक्शन लड़ा नहीं, उसके पहले हमको ये रोड पे लगा। गुंजन शेख इतना नाम है और आज यहाँ पर इतना कमजोर आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रेशर पे आप जो है सब कुछ छोड़ के जो है फॉर्म रिटर्न ले लिए, इतना प्रेशर आपको जो है, मतलब गुंजन शेख एक नाम है और उस नाम के साथ साथ जो है जिस तरह से लोगों ने आपके ऊपर प्रेशर डाला और आपने उनके प्रेशर से डर गए और आप फॉर्म रिटर्न ले लिए। जब अपना ही कार्यकर्ता, अपना ही घर का पलवार जब अगर गद्दार हो जाए तो छोड़ना तो मजबूर होता है ना, मजबूरी होती है ना, घर का फैमिली हो, ये पार्टी जो है घर की फैमिली होती है, घर का आदमी होता है, जब ये घर के ही लोग कमजोर कर दिए तो बाहर वाला क्या आएगा मेरे साथ में। और ये पहले से जब टिकट नहीं लिया तभी से मेरे विरोध में थे, टिकट ले आए उसके बाद में विरोध थे, जब टिकट लेके आ गया, बीफाम लेके आ गया तो उसके बाद में ये लोग साजिश करना शुरू कर दिए कि पैसा इनसे वसूल लो, पैसा ले लो और इनको गिरा दो ताकि ये मुमरा में। ये किस मतलब किस बेस पे आप बोल रहे हैं कि पैसा ले लो और इनको गिरा दो, क्या साबूत है इसके लिए आपके पास? इनका ये था कि इलेक्शन में कॉरपोरेशन में लड़ा, 2 सीट निकाल लिया, असद साहब ने हमको टिकट दे दिया। इनकी सबकी जो गुमराहियत थी कि गुंजन को टिकट नहीं मिलना चाहिए, एजाज खान से लेके राव फलाला फलाने फलाने, इनके जितना ग्रुप है इनके साथ में सब, ये असद साहब का दिमाग भ्रष्ट कर दिए थे कि इनको टिकट मत दिया जाए। जब टिकट ले आया तो उसके बाद में ये लोग बोले कि अब ऐसा नहीं इसको गिरा पाएंगे, अब इसको लूट ढालो और लूट के इसको गिरा दो, इसका काम नहीं करना। तो उससे पहले आप खुद ही चल दिए? तो मैं बोला अब ये जब सारे ये इतना साजिश रहते उससे पहले मैं पेपर अपना वापस ले लेता हूँ। किसका किस ये, नहीं नहीं किसके दबाव में आपने फॉर्म? मैं किसी के दबाव में आता नहीं और ना मेरे पे कोई दबाव। आप सच बोलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कई बार आपसे बोला, आप आमना सामना में भी थे, मैंने आपको क्या बोला था कि सच बोलिए आप। मैं अकेला स्टेडियम में गया हूँ, मेरे हैंड राइटिंग से मैं लिखा हूँ और लिख के ले जाके मैं RO को दिया हूँ। वो पूछा भी कि क्यों दे रहे हो, मैं बोला दे रहा हूँ सर, हमको हमारे दिमागी उलझन हमने कर लड़ सकता। शमीम खान का आपके पीछे क्या रोल? हमारा शमीम खान का कोई बातें चीत नहीं है,
हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा उनसे कोई बात भी शहर में तो चर्चा है कि शमीम खान ने आपको जो है फॉर्म रिटर्न लेने लगाया है, आपके साथ उनका ही डील चल रहा है। किसी पे इल्ज़ाम लगाने के पहले अपने गिरवान में लोग सोच ले, वे जो ये इल्ज़ाम लगाता है ना पहले अपने गिरवान में सोचे। शमीम खान बेचारा आज तक मेरे से बड़े भाई की जैसा मानता, मेरे को कभी ऐसे ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात नहीं किया। अरे भाई मानता है, इसीलिए आप उन्हीं की मतलब बातों में आ गए। अरे नहीं भाई, हमारे ये सब मसले में कोई बातें नहीं किया उसने आज तक। किसी गरीब पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, भले किसी भी पार्टी का है, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। कभी इस बारे में मेरे से बात नहीं किया उसने। इतना भाई बगावन में था, कारपोरेशन में था, इसमें था, लेकिन कभी बेचारा मेरे बीच में आया नहीं। मैं कैसे कह दूँ कि वो मेरा उनका साठगांठ था। ये MIM का काम नहीं कर रही है, दलाल है जो जितने भड़का रहे हैं, मचका रहे हैं, ये सब दलाल लोग हैं। ये उधर न्यू बम्बई कवर किए, थाना कवर किए, गुंजन को कवर किए, लूट लो अभी फजर खजाना लूट रहा है, भर लो अपना खजाना। तो आपने लुटाया, आप लुटे तो नहीं ना? आप इसके लिए तो आप लुटे नहीं ना? नहीं, इसके लिए तो मैं छोड़ ही दिया ना, मैं बोला ना हम लुटेंगे ना लुटाएंगे। जिस दिन आप भागे हैं शहर से घर छोड़कर, तो उसी के रात में जो है शमीम खान से आपने मीटिंग किया है, ये भी जो है लोगों को मालूमात मिली कि आपने शमीम खान से मीटिंग किया है। अगर ये बात कोई साबित कर देवे, अपने माँ बाप का असल होएगा, जन्म होएगा, तो ये बात साबित करे कि गुंजन सेठ के साथ में मीटिंग किया। आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि MIM वाले मेरा साथ नहीं दिए, वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो जिस दिन आप घर से निकले हो, आपको लोग ढूंढने निकले, उसी दिन 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, उसके उसी रात में जो है मीटिंग भी MIM की हुई कि अब सब कुछ सब लोग मिलकर गुंजन सेठ का जो है गुंजन सेठ को जिताएंगे, तो ऐसे में जो है आपका भागना ये कितना सही है? पार्टी का मीटिंग में ही अरेंजमेंट कराया था, हमको भागना होता था या और कुछ करना होता था तो मीटिंग नहीं बुलाता था। मैं इतना सब अरेंजमेंट नहीं करता था, अपने पोस्टर बैनर सब नहीं मंगा लिया था, हमको पीछे हटना होता था, इसे मंगाते नहीं था। आपने खुद भी बोला था कि मैं कार्यकर्ताओं को सबको जमा करूँगा, मैं मनाऊँगा, तो मनाने से पहले आप ही खुद वहाँ से चल दिए। मेरे साथ में एक ही बच्चा थोड़ा सा ईमानदारी से खड़ा था, वो सैफ पठान था, बकिया जितने कार्यकर्ता थे सब मेरे पीछे बुराई करते थे। अच्छा। हाँ, सब मेरे पीछे बुराई करते थे। फिर मैं बोल रहा हूँ आप इतना कमजोर थे कि बुराई से डर गए? नहीं, बुराई से नहीं डर गए, जो साजिश मटर कर दो, पैसा ले लो, इनको बेदर्द कर दो, नहीं तो ये जीत जाएगा, फिर इनका मुकाबला नहीं कोई कर पाएगा, वो सब साजिश थी मेरे पीछे। सब साजिश जब सामने आ गई तो मैं एकाएक दिमाग में सोचा, घर में हमारे बच्चे पूछते रह गए, हम उनको नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गया स्टेडियम में फॉर्म भरा, साइन किया और ले जाकर आरोप दे दिया। ना हमको कोई पैसा दिया, ना हमको कोई खरीदा, ना हमको कहीं बिके और ना हम कहीं भागे। क्या गारंटी है कि आपने पैसा नहीं लिया है? हमको कोई सबूत कर देवे? नहीं नहीं, आप कसम खाएंगे, आप कसम खाएंगे? हाँ कसम खाएंगे, कौन सबूत करेगा, कौन सबूत करेगा बताओ मेरे को? अगर कोई सबूत करता है उसका डबल पैसा मैं देता हूँ। मतलब आपने पैसा नहीं? ना, इस चीज़ का आप कसम खाएंगे? अरे हम जहाँ बोलो जहाँ कसम खा लेते चल के। कोई माँ का लाल है अगर साजिश कर दे कि मैं पैसा लिया हूँ, ये सब तो हवा है, बदनाम करने को साजिश है। अभी तक इनको कोई मुद्दा मिला नहीं, अब ये मुद्दा मिल गया कि गुंजन सेठ क्यों वापस कर लिया। ये भी हवा है, ये भी हवा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पैसे आपने पहुँचाए, उसके बाद आपको टिकट मिला, ये भी हवा है? मैं बोलता हूँ ऐसे पैसे आपने देकर टिकट नहीं लिए? नहीं ना, वो तो जमात पहले मेरे से बोल दी, हम किसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, पहले बोल दिया था गुंजन सेठ ना हम पैसा लेंगे ना पैसा। 45 लाख काय का दिए थे आप, ये बताइए? मैं किसको नहीं दिया 10 रुपया? कोई साबित करना हो, किसको दिया हो साबित कर देवे ना बाबा। झूठ का तो झूठ का बोल दो कि हमें करोड़ दुनिया को दे दिया, तो वो साबित करना चाहिए ना, उसका कुछ पुरावा होना चाहिए ना। हम जैसा आप बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ पुरावा होना, मतलब उसके लिए कुछ पुरावा होना चाहिए, तो वैसा वो जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं, रऊफ लाला पर और भी कई लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए पुरावा आपके पास? अरे मेरे पास आके मीटिंग करके गए, बैठ के गए 4-5 लोग, किससे पैसा है पैसा? पहली मीटिंग में आपसे पैसे की मांग करने नहीं, पैसे पहले नहीं, दूसरी मीटिंग में, दूसरी मीटिंग, हाँ दूसरी मीटिंग में पैसे मांग करने लगे। 3-4 जो है ग्रुप था इनका, ये तीनों चारों ग्रुप आया था कि पैकेज हम लोग का क्या रहेगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो कहती है कि पैसा, पैसे पे टिकट नहीं देता हूँ। बहरहाल जो है आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने जो है पैसे देकर टिकट लिया है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आपसे कार्यकर्ता पैसा मांग रहे थे, तब आपने जो है वरिष्ठ जो नेता है उनसे शिकायत की, क्यों नहीं की? अब वरिष्ठ कौन थे, इधर थे जो लड़ाने वाले, उसने आपको टिकट दिया, उनसे आपने शिकायत नहीं की? वहाँ तक आपके हवाले से, मतलब जो आप डायरेक्ट तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुँचे नहीं, 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 किसी के थ्रू पहुँचे? एक दो बार फोन किया साहब से, मेरा बात नहीं हो पाया, साहब कहीं बिजी थे। असदुद्दीन साहब को मैं फ़ोन भी लगाया, मैसेज भी लिखा, मेरे पास फ़ोन में मैसेज भी होएगा
कि सर ऐसा ऐसा तकलीफ है, मैं क्या करूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं। लेकिन गुंजन सेठ रिप्लाई उसका आया और ना उसका क्या नाम है फ़ोन का कोई रिप्लाई आया। फिर जब हमको नहीं दिमाग चला तो हम बोला ये बेइज्जत कर देंगे, अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन आपके पास भी तो ऑप्शन था गुंजन शेख साहब की, भागने से अच्छा था, मतलब वो मुमरा कौसा की मैं बात करता हूँ, आप बहरहाल कहीं यूपी साइड नहीं गए हैं, आप हैं महाराष्ट्र में ही, लेकिन जो है मुमरा कौसा में आपको भागने से पहले और आप एक पत्रकार परिषद रख लेते, उसमें आप जो है लोगों के बारे में बता देते कि ये लोग पैसे मांग रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे नहीं लड़ूंगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब मुद्दा होता था, लेकिन और कहीं ना कहीं आपके लिए एक फेवर होता था, लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। सब बात जब सोच लिया, समझ लिया, इनकी दिल की गहराई जान लिया कि इनके दिल में क्या है, पूरा कन्फर्म करा लिया, इनके लोग कन्फर्म कर दिए कि गुंजन सेठ तुमको ये लोग रोड पर ला के खड़ा करने का प्लान बनाए हैं कि इस इलेक्शन में इनको गिरा दो, इज्जत से भी गिर जाए, पैसे से भी गिर जाए, ये कहीं का नहीं रहेगा, वापस क्या राजनीति करेगा। इनकी मैंने सुनछा थी कि गुंजन सेठ कॉरपोरेशन में कामयाब हो गया, इसमें भी कामयाब हो जाएगा, फिर हम लोग साला कहीं के नहीं रह जाएंगे, इनकी दलाली बंद हो जाएगी, ये सब अपने दलाल अपने। ये नहीं कहते कि मतलब कि आप अगर बैठ जाएंगे तो जितेंद्र अवार्ड जीत जाएगा, ये क्यों नहीं कहते आप? नहीं बाबा, मेरा जितेंद्र अवार्ड से कुछ लेना नहीं, जीते हारे अपने से क्या लेना देना उससे। जब एमआईएम में ही 5 ग्रुप बना लिए ये लोग, कोई रोफ लाला का ग्रुप है, कोई सैफ का ग्रुप है, कोई अच्छू का ग्रुप है, कोई करम का कमर का ग्रुप है, ये सब जब ग्रुप अलग अलग हो गए तो इसमें हम क्या उसमें? लेकिन वही ग्रुप तो आपके पास आया था, वही ग्रुप आपके पास आया था, मीटिंग की, आपको जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग, और आप जो है शहर से नदारद हो गए। मैं शहर से कहना मुबारा मुमरा में हूँ, मुमरा में हूँ, आओ घर पर देख लो, बंगले पर देख लो, जहाँ बोलो जहाँ मैं मिलता हूँ, कहाँ मैं नदारद हूँ? भागने वाले में ऐसे थोड़े हूँ यार, ये जो बोलता है गलत बोलता है, हिजड़े लोग का बात करता है, भागने वाला करने वाला, मैं तो हूँ ना, तुम्हारे से मिला ना, भागता तो मिलता काम से। गुंजन शेख साहब जो है जिस तरह से देखा गया है कि जो गुट थी, 5 या गुट थी 6 गुट थी 7 गुट थी जो भी गुट थी, उन लोगों ने सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रहे थे, यहाँ तक नईम खान ने ऑफिस भी आपको दिया और ऑफिस में मतलब आपको खोल के दिया कि इसमें आप जो है प्रचार प्रसार करेंगे, यहाँ पे आप कारभार संभालेंगे। उसके बाद जो है आपने जो है अचानक में ऐसा हो गया कि आप वहाँ से चले गए, फरार हो गए, रातों रात निकल गए, लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि मतलब कि दुल्हन तैयार है सच के और दूल्हे का पता ही नहीं है। दूल्हा अभी भी तैयार खड़ा है, कहीं भगा नहीं है। नईम खान का हमारा भाई का रिश्ता है और नईम खान साहब से मैं बोला हाफिस की ज़रूरत है, तो बोले मेरी दुकान खाली है, जाके उधर हाफिस बना लो। इतना सब बंदोबस्त किया था, सब अरेंजमेंट किया सब, तो आप दिखावा ऐसा बताया जा रहा, आप दिखावा कर रहे थे। दिखावा क्या सब है, दिखावा कर रहे थे आप। दिखावा तो इतना किसके पास पैसा, जितना आपने किया नहीं है उससे ज़्यादा तो आपने ले लिया है। किससे ले लिया है, किससे ले लिया वो साबित करेंगे, कैसे बोल दिया हवा में? तो आप फॉर्म कैसा ले? अरे मेरे, मैं अपने दिल का मालिक हूँ, मेरे दिल का कोई मालिक है? मैं अगर देखा कि हमको धोखा है आगे, तो हम धोखे को देखते हुए हम जाके अपना फॉर्म वापस करेंगे। आपने ये कभी नहीं सोचा कि असदुद्दीन ओवैसी का जो है जो मान मर्यादा है वो घट जाएगा? नहीं, क्या रिटर्न फॉर्म लेने से? नहीं नहीं, मान मर्यादा कब घटता था? जब हार जाते थे, हमको बेइज्जत कर देते थे, हम पहले ही उससे मान मर्यादा को जिंदा रखा कि ये साले सब बराबर नहीं है, ये सब काम करेंगे नहीं, ये हमको भी दबा देंगे, असद साहब का भी नाम खराब कर देंगे, इसके लिए हम फॉर्म अपना वापस ले लेंगे। या अभी अभी आपका नाम ऊँचा हुआ है? अरे बाबा, हाँ ऊँचा तो है ही है ना, हम गलत होने से बचा लिया, कौम को डूबने से बचा लिया, जितने कौम के ठेकेदार सब दलाल, हमको नज़दीक आने के बाद सब मालूम पड़ा। आप ये नहीं कह सकती कि आपका पैसा जाने से बच गया और जो लोगों के तरफ से पैसे आने वाले थे वो आ गए आपके पास, ये क्यों नहीं कहते आप? मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, ये सब बकवास है। हाँ, और ये सब बातों के गलत अफवाहों में मत जाओ, ना हमको कोई दिया है, ना हम किससे लेते और ना हम किससे मांगने गए और ना आज तक हम किससे मीटिंग किया। ये बात का अगर कोई साबित कर देगा ना, तो मैं जो बोलोगे वो मैं गुनाह सहने को तैयार हूँ, और जो दिल में आएगा फिर उसके बाद मेरा मेरे खिलाफ़ बोलो। मतलब ये आप इस चीज़ का जो है वहाँ पर सामना करेंगे कि आपने पैसा नहीं लिया है, फॉर्म तो रिटर्न लिया है लेकिन पैसा आपने वापस मतलब नहीं लिया है, इसका आप कसम खाने के लिए तैयार हैं? मैं एक बार नहीं 10 बार कसम खाने को तैयार हूँ कि अगर कोई माई का लाल है साबित कर देवे कि गुंजन सेठ या हवार साहब से मीटिंग किया या उनके घर पे गया या उनके ऑफिस में गया या उनके किसी कार्यकर्ता से मिला, तो बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ ना कि जहाँ बोलो जहाँ कसम खाना। गुंजन शेख, जब आप फरार हुए उसके पहले जो है एमआईएम की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आप कसम खाते हैं, आपको कसम दिलाया जाता है, आप कसम खाते हैं, उसके बावजूद आपने जो है पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी की।
मैं कोई गद्दारी नहीं की, ना कोई फरार हुआ। मैं चांदनगर में मेरा फ्लैट है, मेरे बच्चे लोग रहते हैं। मैं स्टेडियम में गया, पर्चा लिया, पर्चा से लेके ला के घर पर गिरी सो गया मैं दवा खा के। ना मैं किधर गया, ना भागा, ना किधर फरार हुआ। चलिए गुंजन सेठ, एक बात और बताइए कि पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जैसा कि चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको आज आप क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे कि आखिर में तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये चीज़ को पूरी आप बताइए। और उसी के साथ साथ मुमरा कौसा वासियों को भी बताइए। मुमरा की सारी हालात लेके मैं उनको मिलने वाला हूँ। मैं उनको बोलूँगा जो मेरे से गलती हुई मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किधर किससे पैसा नहीं लिया हूँ, ना मैं किधर बिका हूँ। मैं आज भी कौम के लिए जहां बोलो जहां जान देने को तैयार हूं। लेकिन हमारे मजलिस में एक कौम के गद्दार, कौम के दलाल, ये ठेकेदार जो बैठे हैं, इससे इसको मजलिस को बहुत नुकसान हुआ, आगे भी ये नुकसान करते रहेंगे। जब तक ये कीड़े साफ़ नहीं होंगे, जब तक मजलिस साफ़ सुथरा होएगी नहीं। हमारा ये है कि हम वापस एक कमेटी डिजॉल्व करके अच्छे अच्छे लोगों को उसमें लाए, और फिर अच्छा जाके सुधार होएगा मजलिस का। उसके पहले कोई कुछ होने वाला नहीं। ये सब दलाल लोग हैं, मजलिस को हमारा सत्यानाश कर दिया, और ये जब तक जिएंगे जब तक सत्यानाश कर देंगे। मुमरा की जो जनता वो काफ़ी जो है सदमे में है कि गुंजन शेख को मतलब किसी ने डराया फॉर्म लेने के लिए, या धमकाया, या फिर जो है पैसे दिया, क्या दिया। पूरी हकीकत जानने के लिए मुमरा कौसा अभी तक बेचैन है कि आखिर वो गए तो कहाँ गए, पैसे लेकर गए, या फिर फॉर्म उनको धमका कर उनके फॉर्म रिटर्न कराए गए। ये पूरा मुमरा कौसा मतलब जानना चाहती है गुंजन सेठ, ये पूरा आप बताइए। बाबा, आपके माध्यम से मैं मुमरा कौसा के आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोग होशियार हो जाओ। मुमरा के दो चार छः दलाल लोग हैं, उनसे होशियार रहो। ये कहाँ ले जाके बेचेंगे मुमरा को, कब किसी को पता नहीं चलेगा। ना हम दलाली किया हूँ कभी, ना दलाल गिरी करूँगा, ना पैसा किससे। आपने इस पूरे मामले में दलाली नहीं किया? नहीं बाबा, नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता। माइकल लाल बोला ना, जो साबित कर देगा मैं उसको डबल दूंगा। कि आने के बाद में बहुत कोशिश के बाद में तो ये लोग मिले, और मिलने के बाद में वहाँ साजे रखे थे कि यहाँ कुछ बातचीत करेंगे तो यहाँ झगड़ा करेंगे, लफड़ा करेंगे। लेकिन हम शांतिपुर से उधर से समझा के निकल आए। इनका खाली खाली मनसा था कि इनको बुलाओ, इधर लफड़ा किया जाए, इनको बेइज्जत किया जाए। हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत रखा, उधर इनका कुछ दाल नहीं गली, उधर हम सक्षम होकर चले आए। हमारे लोग साथ में भी लोग थे, इसके लिए इन लोग का उधर कुछ दाल नहीं गला। और इनकी हमेशा नीयत में खतरे रहते हैं हमेशा। दाल गलाने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं? नहीं छोड़े नहीं ना मैं। हाँ नहीं छोड़े, नहीं ले लिया ना, कि इनकी दलाली नहीं होगी ना। दलाली बंद हो गई, मतलब आपको मालूम था मैं फार्म ले लूंगा तो इनका दाल गलेगा नहीं। दलाली बंद हो गई बोल रहा हूँ। सब जगह से दलाली, थाना बंद हो गया, न्यू बम्बई बंद हो गया, मुमरा बंद हो गया, तीन जगह से दलाली बंद हो गई। हम तो दलाली नहीं करना था, इनको दलाल लोग को दलाली करना था। अच्छा, आपको दलाली नहीं करनी थी इसलिए फॉर्म रिटर्न ले लिया। और जो एजाज खान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, कौम की करता है, अगर तू सच्चा माँ का लाल है तो तेरे को मैं साबित करता हूँ कि 25 लाख रुपया तो कहाँ से एडवांस लेके आया। कौन लिया 25 लाख? एजाज खान लाया। एजाज खान ने कभी लिया? लिया, मैं बताऊँगा, साबित करूँगा, मैं साबित कर दूंगा। जिससे लाया उससे साबित करवा दूंगा। एजाज खान के लिए कैसा साबित? जहाँ जिसके थ्रू लाया उसको खड़ा करके साबित करवा दूंगा। जब बोलो जब साबित करो। किससे लिया है, वक्त आएगा नाम बता दूंगा ना मैं। आरोप है? आरोप नहीं है, सिद्ध कर दूंगा आरोप। ये आरोप सिद्ध कर दूंगा। आप सिद्ध करेंगे? हाँ, तो एजाज खान एक एक्टर है, खुल्ला दिख रहा है, खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है एजाज खान। जाके 23 नंबर गाड़ी में बैठ के मीटिंग करता है, जाके बंगले से पैसा लाता है। ये सब सबूत कर मैं दे दूंगा ना, कि क्या किया क्या नहीं किया, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, कितना कौम का सरबरा है। आज 4 केस सियासी के और ड्रग्स के उसके ऊपर लगा है, बहुत बड़ा ये कौम का सरबरा बनता है। मेरे को बुलबुल बोलता है, अरे तू बुलबुल तो खुद है। तो ये थे गुंजन शेख साहब, जो है आज प्रहार से मुलाकात किया है उन्होंने, और जो मुमरा शहर में जो वातावरण को लेकर, जो गुंजन शेख को लेकर, जो टिकट MIM के उम्मीदवार को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं शहर में, नाके पे, नाके नुक्कड़ पर, सभी जगहों पर जो है मतलब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर गुंजन शेख कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कितने पैसे में बिक गए, कितने पैसे लेकर जो है फॉर्म को वापस ले लिए। तो तरह तरह के मतलब सवाले खड़ा हो रहा था और अभी भी खड़ा हो रहा है। इसी को लेकर गुंजन शेख ने सामना किया है प्रहार टाइम्स का, कि ताकि जो मुमरा की आवाम है उन्हें भी पता चले कि आखिर वो गुंजन शेख ने फॉर्म क्यों रिटर्न लिया, और MIM के
कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों पर भी उन्होंने गलत ठहराया है, जिम्मेदार ठहराया है। MIM के जो कुछ जिम्मेदार है उनको गलत ठहराया कि उनकी वजह से हमने फॉर्म को वापस लिया। फिलहाल हमने उनसे ये भी बात किया कि दबाव किस चीज़ की आई जो आपने फॉर्म रिटर्न किया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा मुझे किसी चीज़ की दबाव कहीं से नहीं था, लेकिन जो भी था दबाव वो पार्टी के जो अलग अलग गुट थी उनकी दबाव था। और यहाँ तक ये भी कहा कि जो लोग भी आ रहे थे हमारे पास तो वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, कोई 5 लाख की बात कर रहा है तो कोई 10 लाख की बात कर रहा है, पैकेज की बात कर रहा था, और पहले तो वो एक हो ही नहीं रहे थे और जब एक हुए तो पैसे की डिमांड कर रहे थे। इस वजह से हमने जो है ना तो पैसा दिया ना तो पैसा लिया और हमने जो है सीधा अपना फॉर्म रिटर्न ले लिया। तो यही सब सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताया। आज तक जो है उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हमें और हमें जो है उन्होंने पूरी डिटेल्स दिया था आखिर हमने फॉर्म अपना रिटर्न क्यों लिया था। मुमरा की आवाम से भी कहा है उन्होंने, ये पूरी मतलब एक जवाबदारी के साथ उन्होंने कहा है, और यहाँ तक वो कसम खाने की भी बात करते हैं कि हमने पैसा नहीं लिया है। बहरहाल मैं कौन होता हूँ एकदम क्लियर कहने वाला, लेकिन उन्होंने उनके मुँह से खुद कहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया हूँ, मैं बिका नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर जो है ज़्यादा गौर करें क्योंकि मुमरा के जो गुट हैं वो कई तरह के हैं, कई अलग अलग दिशा में हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है एक अलग मैसेज जाता, इसलिए हमने उससे पहले ही जो है अपना फॉर्म रिटर्न ले लिया क्योंकि मैं जीत ही नहीं पाता। लोगों की जो मंशा थी वो मंशा ये थी कि गुंजन सेठ को हराना है और जो है लोगों से पैसे ऐंठना है। इस तरह के गुंजन सेठ ने भी कहा कि हमको मतलब हमसे भी पैसे लेंगे और सामने वाले से भी पैसे लेंगे, पैसे लेकर हमें हरा देंगे, और इसी तरह का चल रहा था। तो इससे पहले ना हमने पैसे दिया ना हमने पैसे लिया, सीधा हम जो है ना नामांकन जो है वापस ले लिया। हम जो है आपको अपडेट देते रहेंगे। गुंजन शेख ने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम माफ़ी मांगेंगे, वो उनका हमने दिल दुखाया है तो हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर भी कहेंगे कि कुछ जो मुमरा के MIM के जो लोग हैं उन्हें फेर बदल करना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर नहीं फेर बदल करेंगे तो आने वाले दिनों में MIM को बड़ा झटका लग सकता है। और हमने जो काम किया है वो आँख खोलने के लिए काम किया है, हमने सीधा फॉर्म वापस ले लिया है। तो कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, मुंबई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।